जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के अंतर्गत आप लोग जो लिटरेरी टर्म का टेस्ट सीरीज देख रहे थे, सुन रहे थे और समझ रहे थे, आज भाग दो में 40 क्वेश्चन से ऊपर जो हैं उनको आप हम लोगों को तुम लोगों को आज सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। हमारे पास जो प्रकाश प्रकाशन की है सुधीर के अरोड़ा बरेली वाले, उसी के उसी बुक से आगे जो है 41वां क्वेश्चन लिखा है। By the four fluids of body are said to be determined the physical and mental qualities of human beings. These are humors, blood, flag, color, iron. कह रहा है शरीर के चार फ्लूइड बताए गए हैं, शरीर के चार फ्लूइड बताए गए हैं एफ एल यू वी आई डी एस, और कहा जाता है यही चार फ्लूइड व्यक्ति का फिजिकल और मेंटल क्वालिटी निर्धारित करते हैं। तीन फ्लूइड ब्लड, फ्लेम और कॉलर, चौथा फ्लूइड बताना है जो चार फ्लूइड बताए गए हैं। तीन इसमें दिए गए हैं ब्लड, फ्लेगम पी एच एल ई जी एम और कॉलर सी एच ओ एल ई आर कॉलर। चौथा कौन होता है, लीवर होता है कि हार्ट होता है कि मिलनकॉली होता है या हैप्पीनेस होता है, तो चौथा जो है वो मिलनकॉली है। चार फ्लूइड बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति की शरीर और मानसिक शक्तियों का क्या विकास होगा, क्या इसका दिमाग होगा, वही निश्चित करते हैं। तो तीन तो ब्लड और फ्लेगम और कॉलर हो गए, चौथा जो है वो मिलन कॉली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई व्यक्ति जो प्रयास करता है ट्रेडिशनल विचारों को नष्ट करने का या ट्रेडिशनल पारंपरिक जो पौराणिक विचार है उनको नष्ट करने का और पारंपरिक व्यवस्थाओं को नष्ट करने का जो व्यक्ति वीणा उठाता है उसको क्या कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आइकेनोक्लास्ट कहते हैं या डिस्ट्रॉयर कहते हैं या एथिस्ट कहते हैं। तो डिस्ट्रॉयर तो उसे कहते हैं जो नष्ट करता है मकान वगैरह, एथिस्ट उसे कहते हैं जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं होता है, और जो पौराणिक विचारों को नष्ट करता है उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट आई सी ओ एन ओ सी एल ए एस टी आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटी कविता रूरल और पेस्टोरल लाइफ की, उसको क्या कहते हैं। एक छोटी कविता रूरल और पेस्टोरल लाइफ की होती है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम, उसे पैटेटिज्म कहते हैं या आइडियल कहते हैं या लिरिक कहते हैं या आर्केडिया कहते हैं। तो छोटी डिस्क्रिप्टिव पोएम जो है रूरल और पेस्टोरल लाइफ की वो आइडियल उसे वो कहलाती है। हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ आइडियल्स इन ग्रीक, पहला लेखक कौन है, मतलब जो कविता होती है पेस्टोरल और रूरल एरिया की वो एक छोटी डिस्क्रिप्टिव पोएम होती है, और पहला ग्रीक में इस आइडियल कविता का कौन लेखक है, थियोक्रेटस। पहला लेखक जो है ना तो प्लेटो है ना तो अरस्तु है ना तो थियो, एक आता है थियो रूसेस ना थियो रूसेस है कौन, थियोक्रेटस टी एच ई ओ सी आर ए टी ई एस थियोक्रेटस।
पैतालीसवां क्वेश्चन है, ए मोमेंट बाय अमेरिकन एंड इंग्लिश पोएट्स अर्ली इन द 20th century इन द रिएक्शन टू विक्टोरिया सेंटिमेंटलिटी यूज्ड कॉमन स्पीच इन फ्री वर्स विद क्लियर कॉन्क्रीट इमेजरी इट रिफेयर्स टू। एक ऐसा आंदोलन जिसे अमेरिकन और इंग्लिश कवियों ने चलाया था 20वीं सदी की शुरुआत में, विक्टोरियन विक्टोरियन सेंटिमेंटलिटी के विरोध में, मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकन और अंग्रेजी कवियों ने एक आंदोलन चलाया था विक्टोरियन सेंटिमेंटलिटी के विरोध में, और कॉमन स्पीच मैंने सामान्य भाषा यूज की थी फ्री वर्स में, मतलब फ्री वर्स उसका रिदम, कविता का रिदम फ्री वर्स थी, कॉमन स्पीच थी, और स्पष्ट रूप से उसमें दृष्टिकोण दिया जाता था किसी भी बात का, क्लियर कॉन्क्रीट इमेजरी। तो ये कौन सा मोमेंट चलाया था, इमेजिनेशन या पिक्चरेक्स की? तो ये चलाया गया था इमेजिज्म, ये मोमेंट चलाया गया था अमेरिकन और इंग्लिश पोएट्स के द्वारा। अगला है एन इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन इज नोन एज, एन इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन इज नोन एज, एक अप्रत्यक्ष इम्प्लीकेशन जानी जाती है किस नाम से, कमेंट क्रिटिसिज्म सैटायर इन्यूएंडो, अप्रत्यक्ष इम्प्लीकेशन जानी जाती है किस नाम से, तो इसका नाम होता है इन्यूएंडो, इन न्यूंडो नाम से, ना उसे कमेंट कहते हैं और ना उसे क्रिटिसिज्म ना सैटायर, एक अप्रत्यक्ष रूप से इम्प्लीकेशन को जाना जाता है इन्यूएंडो के नाम से, INNUENDO इन्यूएंडो। इन्यूएंडो कहते हैं INNUENDO। सैतालीसवां क्वेश्चन है, अर्ली वर्क्स विच आर प्रोड्यूस्ड टू इन दी ऑथर्स और आर्टिस्ट यूथ, मतलब शुरुआत के काम रचनाएं अर्ली वर्क्स जो लेखक के या किसी आर्टिस्ट की युवा अवस्था पर जो वो करता है, चाहे कोई लेखक अपनी युवा अवस्था पर लिखे या कोई कलाकार अपनी कलाकारी का प्रदर्शन युवा अवस्था पर, यानी जो शुरुआती कार्य होते हैं किसी कवि और कलाकार के, तो वो क्या कहलाते हैं, यंग पैशन या जीवेनिलिया या हॉट ब्लड या नन ऑफ दीज। तो कवि या किसी कलाकार की युवा अवस्था के जो कार्य होते हैं उनको जीव वेनेलिया कहलाते हैं, JUVENILIA जीवनेलिया। 48वां क्वेश्चन है, एक शॉर्ट लिरिक या नैरेटिव सॉन्ग जिसमें रिकरेंट रिफ्रेन होता है, मतलब एक छोटा गीत या कोई नैरेटिव गीत जो रिकरेंट रिफ्रेन के साथ में, रिकरेंट रिफ्रेन मतलब रिकरेंट रिफ्रेन के साथ में एक छोटा या नैरेटिव गीत, उसे क्या कहते हैं, ले कहते हैं या लिरिक कहते हैं या वैलेट कहते हैं या नोवेला कहलाता है। तो छोटा लिरिक या नैरेटिव सॉन्ग एक रिकरेंट रिफ्रेन के साथ में होता है तो उसे कहते हैं ले, LAY। 49वां क्वेश्चन है, ए हूमर्स वर्स फ्रॉम ऑफ फाइव एनापेस्टिक लाइंस विद ए राइम स्कीम AA BBA, मतलब एक हूमर्स वर्स, एक हूमर्स कविता जो जिसमें पांच एनापेस्टिक लाइन होती हैं, कैसी होती हैं, एनापेस्टिक लाइन, और उनकी रिम स्कीम होती है AA BB और A, पांच लाइनें हो गई AA BB A। तो इन पांच लाइनों की रिदम स्कीम पर एक हुमर्स कविता को क्या कहा जाता है, तो हुमर्स कविता को जो पांच लाइनें AA BB A एनापेस्टिक लाइन होती हैं, तो उसे
क्यूट्रेल कहा जाता है या कपलेट कहा जाता है या पेंटामीटर कहा जाता है या लिम्रिक कहा जाता है। तो क्वाड्रेंट भी नहीं कहते हैं, कपलेट तो दो लाइनों की कहते हैं जिसकी रिदम मिलती है, पेंटामीटर 5 फीट की, इसे कहते हैं लिमेरिक। क्या कहते हैं? ऐसी कविता को एनापेस्टिक कविता जिसकी रिदम AABBA हो और होमर्स कविता का रूप हो, ऐसी कविता को लिमेरिक कहते हैं। 50वां क्वेश्चन, एन इलाबोरेट सेमी ड्रामेटिक कॉस्टली फॉर्म एंटरटेनमेंट, मतलब वातावरण का एक इलाबोरेट और सेमी ड्रामेटिक और कॉस्टली फॉर्म, ऐसी कविता को क्या कहते हैं? इलाबोरेट हो, सेमी ड्रामेटिक हो, कॉस्टली फॉर्म हो, ऐसे वातावरण को क्या कहते हैं? इससे इलाबोरेट सेमी ड्रामेटिक कॉस्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। मास्क कहते हैं, मॉरेलिटी प्ले कहते हैं, इंटरल्यूड कहते हैं या नन ऑफ दीज, तो ऐसी कविता को कहते हैं मास्क, MASQUE। अगला है, इट इज एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी इन विच एक्शन इज मोर सेलिएंट देन कैरेक्टराइजेशन, इट इज सेंसेशनल एंड ग्रीसम प्ले, मतलब एक एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी जिसमें एक्शन अधिक होता है कैरेक्टराइजेशन की बजाय, मतलब एक्शन अधिक होता है कैरेक्टराइजेशन की बजाय, तो इस सेंसेशनल एंड ग्रीवसम प्ले क्या कहलाते हैं? मतलब एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी हो, एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी हो और जिसमें एक्शन की बजाय पात्र अधिक हो, ऐसे सेंसेशनल और ग्रीवसम प्ले को इंटरल्यूड कहते हैं या मिस्ट्री प्ले कहते हैं या क्लोजेड प्ले कहते हैं या मेला ड्रामा कहते हैं, तो ऐसा प्ले मेला ड्रामा कहलाता है, मेलो ड्रामा, मेला नहीं मेलो, ओ है MELODRAMA, मेला ए मेलो ड्रामा। इट इज इन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी इन विच एक्शन इज मोर साइलेंट देन कैरेक्टराइजेशन, इट इज सेंसेशनल एंड ग्रूसम प्ले। 53वां 92वां क्वेश्चन है, ए परफॉर्मेंस यूजिंग गेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स विदाउट वर्ड्स, मतलब बिना शब्दों का प्रयोग किए शरीर के मूवमेंट के द्वारा और गेस्चर के द्वारा, मतलब इशारों में और शरीर के मूवमेंट के द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है बिना शब्दों के प्रयोग किए, तो उसको राइम कहते हैं या लाइम कहते हैं या माइम कहते हैं या एंजीम कहते हैं, तो इसको कहते हैं माइम, मतलब एक ऐसा परफॉर्मेंस जो शब्दों के बिना शरीर के मूवमेंट के कारण और गेस्चर यूज किया जाता है तो उसे कहते हैं माइम, MIME। अगला है, दे आर दी गॉडेस ऑफ डिवाइन रेट्रीब्यूशन एंड वेंजीनेंस, the term is used when evil brings about its own downfall, to ve devi retribution ki devi, matlab divine retribution aur vengeance ki devi hai, aur aise term ko prayog karte hain jab burai jo hai downfall के बारे में बताया जाता है, इस टर्म का प्रयोग किया जाता है जब बुराई आती है और किसी के पतन के दिन आते हैं तब उस देवी का डिवाइन रिट्रीब्यूशन और वेंजियंस के बारे में बताया जाता है, तो ऐसी रचना को कहते हैं हिकेट या जयंट या वैक्स या निमेसिस, उन्हें तो उन्हें कहा जाता है निमेसिस। फिर एक बार ध्यान दें, दे आर दी गॉडेस ऑफ डिवाइन रिट्रीब्यूशन एंड विंजियंस, मतलब वे जो है निमेसिस जो है तो गॉडेस है, देवी है किसके? डिवाइन रिट्रीब्यूशन और विंजियंस के, और इस टर्म को तब प्रयोग किया जाता है जब बुराई आती है गिराने के लिए, तब निमेसिस का प्रयोग इस रचना को कहते हैं। आगे लिखा है, एक
The act of inventing a word or phrase is known as, मतलब किसी वाक्यांश को और किसी शब्द के आविष्कार के कार्य को क्या कहा जाता है? इन्वेंशन कहा जाता है, कॉइनिंग कहा जाता है, मिंटिंग कहा जाता है, या नियोलॉजिज्म कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नियोलॉजिज्म, इसे कहा जाता है नियोलॉजिज्म कहा जाता है, NEOLOGISM। अगला है नॉन डी प्लूम इज, 55वां क्वेश्चन है नॉन डी प्लम इज। ये नॉन डी प्लम इज क्या होता है? NOM, नॉम DED, प्लम PLUME, प्लम क्या होता है? पेन नेम होता है, या सर नेम होता है, या शॉर्ट नेम होता है, या निब नेम होता है? तो ये नॉन डी प्लम जो है ये पेन नेम होता है। ये नॉन डी प्लम ये एक विदेशी शब्द है, इंग्लिश में इसका होता है पेन नेम, PEN, मतलब जो लेखक जिस नाम से राइटर का लिखता है उसे पेन नेम कहते हैं, और सर नेम उसे कहते हैं उपनाम को, शॉर्ट वर्ड नेम उसे कहते हैं शॉर्ट नेम जो नाम के लास्ट में आता है। 56वां क्वेश्चन है लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट इज, मतलब कुछ के लिए लॉन्गिंग करना, समथिंग पास्ट मतलब कुछ के लिए लॉन्गिंग करना पुराना, तो उसे क्या कहलाते हैं? लॉगिंग कहलाते हैं, पास्ट लॉ कहते हैं, या नाउसिया कहते हैं, या नॉस्टैल्जिया कहते हैं? तो इसे कहते हैं लॉगिंग फॉर समथिंग पास्ट कहलाता है नॉस्टैल्जिया, NOSTALGIA, नॉस्टैल्जिया। 57वां क्वेश्चन है द मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस इज, मतलब जीवों के प्रकृति का मेटाफिजिकल अध्ययन, जीवों और उनके एग्जिस्टेंस में कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, ऐसी प्रकृति की मेटाफिजिकल स्टडी जो है क्या कहलाती है? ओंटोलॉजी, पेनोलॉजी, सिस्मोलॉजी, नन ऑफ दीज, तो वो कहलाती है ओंटोलॉजी, ए मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वां, ए ड्रामा सेट टू म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ सिंगिंग विद ऑर्केस्ट्रल एकॉम्पैनीमेंट एंड एन ऑर्केस्ट्रल ओवरट्र्यू एंड इंटरल्यूड्स, ओपेरा कहलाता है, मतलब एक ऐसा ड्रामा सेट म्यूजिक के लिए ऐसा ड्रामा सेट किया जाता है जिसमें सिंगिंग होता है, ऑर्केस्ट्रल एकॉम्पैनीमेंट पूरी कंपनी होती है गायकों की, और एक ऑर्केस्ट्रल ओवरट्यून होता है, और बीच बीच में इंटरल्यूड्स होते हैं, मतलब भरमाने के लिए बीच बीच में दूसरे भी गीत गाए जाते हैं। तो ऐसे ड्रामा सेट को क्या कहते हैं? ऐसे ड्रामा सेट को कहते हैं ओपेरा। ए ड्रामा सेट टू म्यूजिक कॉन्सिस्ट्स ऑफ सिंगिंग विद ऑर्केस्ट्रल एकॉम्पैनीमेंट एंड एन ऑर्केस्ट्रल ओवरट्यून एंड इंटरल्यूड्स। 59 क्वेश्चन है ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, प्रशंसा का एक औपचारिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, तो वो कहलाता है पैनजीरिक्स, PANEGYRICS, पैनजीरिक्स कहलाता है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। ना तो इसे साइकोपैंसी कहते हैं, ना तो निक्रोमेंसी कहते हैं, कहते हैं पेन जी रिक्स। 60वां क्वेश्चन है ए कंपोजिशन दैट इमिटेट्स समबॉडीज स्टाइल इन ए ह्यूमरस वे, मतलब एक ऐसी रचना जो नकल की जाती है किसी व्यक्ति के स्टाइल की ह्यूमरस वे से, मतलब किसी भी व्यक्ति की आप नकल करें लेकिन मजाक बनाते हुए ह्यूमरस वे से, तो ऐसी रचना को क्या कहते हैं? तो ऐसी रचना को पैरोडी कहते हैं, PAROD Y, तो ऐसी रचना को पैरोडी कहते हैं। एक कंपोजिशन ना तो मेलोडी कहलाती है, ना तो लॉफिंग स्टॉक कहलाता है, ना तो पीरियडिक कहलाती है, ऐसी रचना कहलाती है पैरोडिक। ए कंपोजिशन दैट इमिटेट्स समबॉडीज स्टाइल इन ए ह्यूमरस वे। क्वेश्चन नंबर 61, ए स्टाइल दैट इन्वॉल्व्ड इनडायरेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, एक ऐसी शैली जिसमें अप्रत्यक्ष तरीके शामिल होते हैं एक्सप्रेसिंग
एक्सप्रेसिंग थिंग्स, मतलब वस्तुओं को एक्सप्रेस, मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तरीके इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी शैली को क्या कहा जाता है? तो ऐसी शैली को कहा जाता है पेरीफ्रेसिस, पेरीफ्रेसिस, PERIPHRASIS, पेरीफ्रेसिस कहलाता है। ऐसी शैली जिसमें वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके शामिल होते हैं, ऐसी शैली को पेरीफ्रेसिस कहते हैं, ना तो पैराफ्रेज कहते हैं ना तो नेमेसिस कहते हैं, कहते हैं पेरीफ्रेसिस। मतलब नेमेसिस तो अभी हमने बताया था, नेमेसिस किसे कहते हैं? जो दैवीय देवी होती हैं और जो बुराइयों को गिराने के लिए आती हैं, तो ऐसी शैली को नेमेसिस कहते हैं। और इसमें होंगे पेरीफ्रेसिस अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों को, वस्तुओं को अव्यक्त करने के लिए। अगला है इट इज यूज्ड इन हिटोरिक एंड इज द कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ एन ओरेशन। मतलब हिटोरिक में ये यूज किया जाता है और ये उपसंहारिक सेक्शन होता है किसी भी, मतलब किसी भी स्पीच का, किसी भी ओरेशन का, मतलब कोई अगर भाषण दे रहे हो तो उसका ये उपसंहार होता है, लास्ट का सेक्शन होता है, कंक्लूडिंग सेक्शन होता है और हिटोरिक में प्रयोग किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेनजेरिका, पेनजेरिक्स और पेरोरेशन और पेरीफ्रेजिज कहते हैं। तो सही ऑप्शन है पेरोरेशन कहलाता है, किसी भी ओरेशन के कंक्लूडिंग सेक्शन में हिटोरिक में यूज किया जाता है तो उसे पेरोरेशन कहलाते हैं। चार लाइनों के स्टेंजा को क्या कहते हैं? क्यूट्रेन कहते हैं, क्वाट्रेन, QUATRAIN, क्वाट्रेन। इट इज ऑलमोस्ट रिडक्शन टू द एब्सर्ड, इट इज ऑलमोस्ट रिडक्शन टू द एब्सर्ड, मतलब लगभग ये रिडक्शन होता है एब्सर्ड के लिए। इट इज ए डिसप्रूफ बाई शोविंग दैट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोपोजिशन आर एब्सर्ड। सही ऑप्शन है रिडक्शन एड एब्सर्डम, मतलब लगभग ये रिडक्शन होता है एब्सर्ड के लिए, भद्देपन के लिए, और ये डिस्प्रूव किया जाता है या दिखाकर कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोपोजिशन आर एब्सर्ड, मतलब ये जोड़ा जाता है कि यह चीज भद्दी के लिए ही जोड़ी गई है, तो इसे कहा जाता है रिडक्टिव एड एब्सर्डम। ना तो एब इनिशियो कहा जाता है, ना वर्बेटिम इट लिटरेटिव कहा जाता है, ना वर्बम सेट सैम्पिलिटी कहा जाता है, कहा जाता है रिडक्टिव एड एब्सर्डम। 65वां है ए फेमिलियर नेम और निकनेम क्या कहलाता है? एक प्रसिद्ध नेम या निकनेम कहलाता है सॉब्रिक्यूट, ना तो सॉब्रिटी कहलाता है ना नाइस्टी कहलाता है। एक फेमिलियर नेम या निकनेम जो अक्सर यूज किया जाता है शॉर्ट वर्जन में, किसी व्यक्ति को नाम देना होता है शॉर्ट वर्जन में, छोटा नाम, तो ऐसे नाम को जो प्रसिद्ध हो जाता है छोटा नाम, ऐसे निकनेम को या फेमिलियर नेम को कहा जाता है सॉब्रिक्यूट, SOBRIQUET। अब 66th क्वेश्चन है विलियम जेम्स यूज्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्सीनेस इन हिज बुक नेम। मतलब विलियम जेम्स एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, विलियम जेम्स साहब, तो उन्होंने एक टर्म यूज किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्सीनेस, CONSCIOUSNEES, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सीनेस। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्सीनेस टर्म जो है उन्होंने किस किताब में अपने यूज किया है, ध्यान रखना। एक तो कभी कभी आ जाता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्सीनेस जो टर्म है ये किसने यूज किया, तो ये दिया है विलियम जेम्स ने, किस किताब में इसका वर्णन है, तो उनकी एक किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, उनकी एक किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो उस किताब में इन्होंने ये टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्सीनेस का
यूज किया है। अगला है डिडक्टिव रीजनिंग इन विच ए कंक्लूजन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू प्रीमिसेस। डिडक्टिव रीजनिंग किसी भी कंक्लूजन में, मतलब किसी उपसंहार में डिडक्टिव रीजनिंग होता है डिराइव्ड फ्रॉम टू प्रीमिसेस, दो प्रीमिसेस से जो डिराइव्ड होता है डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें कंक्लूजन मतलब उपसंहार में डिराइव्ड होता है टू प्रीमिसेस, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब दो प्रीमिसेस से डिराइव्ड होता है निकल आता है, मतलब डिडक्टिव रीजनिंग जिसमें उपसंहार दो प्रीमिसेस से डिराइव्ड होता है तो उसे कहते हैं साइलोजिज्म, SYLOGISM, साइलोजिज्म। डिनाउमेंट लॉजिक डिडक्टिव मेथड, तो इसे कहते हैं साइलोजिज्म। अगला यूजलेस रिपीटिशन इज, मतलब बेमतलब का रिपीटिशन, बार बार दोहराव लेकिन है यूजलेस, तो उसे कहेंगे टाउटोलॉजी, यूजलेस रिपीटिशन टाउटोलॉजी, TAUTOLOGY, टाउटोलॉजी। अगला है द मीनिंग ऑफ मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ये किसके द्वारा तीन किताबें लिखी गई हैं, द मीनिंग ऑफ मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अर्थ का अर्थ, साहित्यिक समालोचना के सिद्धांत, और फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिज्म एस्थेटिक्स, ये रचनाएं जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये लिखी गई हैं आई ए रिचार्ड्स। अगला है द न्यू क्रिटिसिज्म इज रिटन बाई, एक रचना है न्यू क्रिटिसिज्म, द न्यू क्रिटिसिज्म रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो न्यू क्रिटिसिज्म रचना जो है ये जॉन क्रोवे रैंसम के द्वारा लिखी गई है, जॉन क्रोवे CROWE, जॉन क्रोवे रैंसम के द्वारा लिखी गई है। अगला है सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज रिटन, एक रचना है सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, ये किसके द्वारा रचना लिखी गई है, तो सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी मतलब दू अर्थक के सात प्रकार के संशयवादी रचनाएं, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, तो ये लिखी गई है विलियम एम्पसन के द्वारा, विलियम एम्पसन EMPSON एम्पसन के द्वारा। अगला है ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन दैट इज एग्जरेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट, मतलब एक व्यक्ति का ऐसा प्रत्यक्ष रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसी प्रस्तुति जो बहुत बढ़ा चढ़ा के की जाती है केवल कॉमिक इफेक्ट के लिए, मतलब हंसने के लिए, हंसी का प्रभाव भरे इसीलिए उसका रिप्रेजेंटेशन किसी व्यक्ति का प्रस्तुत ऐसा किसी व्यक्ति को किया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति को ऐसे प्रस्तुत करना बढ़ा चढ़ाकर केवल कॉमिक इफेक्ट के लिए, मतलब हंसी आए, तो इस चीज को कहते हैं कैरिकेचर, क्या कहते हैं कैरिकेचर, CARICATURE कैरिकेचर। चार ऑप्शन दिए हैं कार्टून, ये भी नहीं, ये गलत है, फ्लैट कैरेक्टर ये भी गलत है, राउंड कैरेक्टर ये भी गलत है, ऐसे जो होते हैं एक व्यक्ति का ऐसी प्रस्तुति जो हंसने के प्रभाव के लिए बढ़ा चढ़ा कर किया जाए हंसने के लिए, तो उसे कहते हैं कैरिकेचर, कार्टून सही मत कर देना, साहित्य में होगा कैरिकेचर। अगला है कैप्सुल क्रिटिसिज्म इज टर्म यूज्ड, एक टर्म है कैप्सुल क्रिटिसिज्म, क्या टर्म है कैप्सुल CAPSULE कैप्सुल क्रिटिसिज्म, और ये टर्म किसने दिया, ये टर्म दिया है एलेक्जेंडर वुलकॉट ने, WOLLCOTT, तो एलेक्जेंडर वुलकॉट ने ये दिया है कैप्सुल क्रिटिसिज्म ये टर्म। चौथवा क्वेश्चन है द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म का पिता किसे कहा जाता है, समलोचना का पिता कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं अरस्तु को कहा जाता है क्रिटिसिज्म का पिता। पचहत्तरवा क्वेश्चन है इंग्लिश क्रिटिसिज्म, देखो जब क्रिटिसिज्म आए तो अरस्तु,
लेकिन अंग्रेजी क्रिटिसिज्म के पिता जो है वो कहे जाते हैं ड्राइडन। और किसे कहा जाता है? ड्राइडन साहब को। क्षेत्रवा क्वेश्चन है, डीकंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद, मतलब ये जो शब्द है डीकंस्ट्रक्शन, ये जो टर्म है डीकंस्ट्रक्शन, ये किसके द्वारा बताया गया डीकंस्ट्रक्शन? तो ये बताया गया है जैकीर डेरिडा द्वारा। डी कंस्ट्रक्शन जो है ये बताया गया जैक्यूज डेरिडा द्वारा। 77 क्वेश्चन है, ऑफ ग्रेमोटोलॉजी, एक किताब है ऑफ ग्रेमोटोलॉजी, GRAMMOTOLOGY, ऑफ ग्रेमोटोलॉजी, ये किताब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑफ ग्रेमोटोलॉजी किताब जो है जैक्यूज डेरिडा के द्वारा ही लिखी गई है, JACQUES, जैक्यूज डेरिडा के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड किया था। क्वेश्चन नंबर 78, जैक्यूज डेरिडा थे कौन? तो जैक्यूज डेरिडा जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन एक टर्म एसोसिएटेड किया और ऑफ ग्रेमोटोलॉजी एक किताब लिखी, और ये जो थे एक फ्रांस के दार्शनिक थे और समलोचनात्मक थे, समलोचनकार थे, आलोचककार थे, सॉरी। जैक्यूज डेरिडा फ्रांस के दार्शनिक और आलोचनाकार थे जिन्होंने ऑफ ग्रेमोटोलॉजी किताब लिखी और डीकंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड किया। 79 क्वेश्चन है, वी मस्ट इंजॉय बिफोर वी कैन क्रिटिसाइज, ये किसकी लाइन है? कि हमें इंजॉय अवश्य करना चाहिए लेकिन पहले हम उसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वी मस्ट इंजॉय अवश्य करना चाहिए, हमें इंजॉय अवश्य करना चाहिए, क्रिटिसाइज करने कर सकते हैं, बिफोर वी कैन क्रिटिसाइज, ये कहा है, ये लाइनें किसकी हैं? वी मस्ट इंजॉय बिफोर वी कैन क्रिटिसाइज, ये लाइनें हैं सी डे लेविस की, किसकी है? सी डे लेविस की। 80 और लास्ट आज का क्वेश्चन, क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिजीज, मतलब क्लासिसिज्म जो है ये एक स्वस्थ है जबकि रोमांटिसिज्म एक बीमारी है। क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज ए डिजीज, ये कहा है गोइथे साहब ने, GOETHE, गोइथे साहब रोमांटिसिज्म को बीमारी मानते हैं और क्लासिसिज्म को हेल्थ मानते हैं। तो इस तरीके से आज 80 का क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप इन क्वेश्चन को बार बार देखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, आपका ज्ञान बढ़े, इसी के उद्देश्य से हम अपने इस संघर्ष को जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के अंतर्गत आप लोग जो